देखिए अभी तस्वीरों में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बूंदाबांदी के बीच में भी अभी भी उन्होंने टी शर्ट ही पहन रखा है। सुबह इन्होंने पगड़ी पहनकर यात्रा की थी, लेकिन इस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा है। अभी देखिए सब यात्री इनके पीछे पीछे निकल रहे हैं, राहुल गांधी आगे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए हैं, पीछे तमाम यात्री हैं। और उसके बाद में फिर देखिए कि सुरक्षा कर्मियों का भी घेरा यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ तक सुरक्षा कर्मी है। इसके बाद में फिर सुरक्षा की ओर से तमाम सारी गाड़ियां हैं वो इसके पीछे चल रही। यहाँ पे बता दे दोस्तों कि बूंदाबांदी के बीच में अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है कि राहुल गांधी का ना रुकना, तेज हवाएं चली और यात्रा के दौरान में आपको बहुत ज्यादा भगदड़ देखने को मिलेगी। इतनी अधिक संख्या में लोग होते हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि हाँ राहुल गांधी की एक झलक ही देखने को मिल जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है और यहां पर देखिए कि राहुल गांधी के यात्रा के आगे तमाम सारे यहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉली चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब जो है वो खेती किसानी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो ट्रैक्टर है, लोग काफ़ी ट्रैक्टर के शौकीन होते हैं। बढ़ चढ़ कर सभी लोग एकदम हाईब्रिड हाई टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर खरीदते हैं। ट्रैक्टर की जब भी बात आती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसी भी तरह का आंदोलन हो, अगर पंजाबियों का आंदोलन है या समर्थन है या कोई भी चीज़ है जिसमें पंजाबी अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, तो उसमें ट्रैक्टर जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देखेंगे अगर आप, तो वहाँ आगे आपको दिखाई देगा लाइन से तमाम सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं। इधर भी आपको ट्रैक्टर ट्रॉली तमाम सारे दिखाई देंगे। इसके अलावा कई सारे और पिकअप गाड़ी जो जिसे DCM भी कहते हैं वो भी है, जिस पर DJ रखा हुआ है, साउंड बड़े बड़े रखे हुए हैं, जनरेटर वगैरह रखे हुए, जिस पर राहुल गांधी के गाने बज रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर सभी लोग खुशियाँ जता रहे हैं। आगे आप देखेंगे, आगे अभी और कुछ ट्रैक्टर है आ रहे हैं, उसके बाद में और तमाम सारे वाहन हैं और उसके फिर पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। यात्रा आने में भी वक्त है थोड़ा सा, उससे पहले हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप एक नज़र जरा इस हाईवे पर भी डालिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं तमाम सारे लोग, जो ये डिवाइडर है और इधर आप देखेंगे किनारे सभी लोग खड़े हैं। लोगों के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरे हाईवे पर यहाँ पर कांग्रेस का झंडा आपको नज़र आएगा। बता दें दोस्तों कि जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ से लेकर के और आखिर तक हर जगह झंडे लगे होते हैं, तिरंगा से लेकर के और कांग्रेस पार्टी का झंडा, NSY का झंडा, सेवा दल का झंडा, सभी झंडे यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो झंडा लेकर के भी चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का भी झंडा उनमें रहता है। यहां आप देखिए कि ये जो गाड़ी है जिसपे तमाम सारे माइक लगे हुए हैं, ये कैसे सजाई गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ घोड़े हैं और उस पर कुछ लोग सवार हैं, जो घुड़सवार हैं, ये सभी राहुल गांधी की यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। ये भी इनका भी स्वागत करने का, समर्थन करने का एक अनोखा तरीका है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके बाद में और भी कुछ घोड़े आ रहे हैं, लगभग यहाँ पर 8-10 घोड़े हैं, ये भी यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में उनका समर्थन के लिए, उनके स्वागत के लिए घोड़े नजर आए थे। पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा तमाम सारे घोड़े भी नजर आए हैं। बता दें दोस्तों कि पंजाब में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ जो हवाएं हैं ठंडी बेहद ही तेज चल रही हैं, उसके बावजूद भी सभी यात्री लगातार अपनी यात्रा को कवर कर रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक चल रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे तो पूरे हाईवे के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। हालांकि यात्रा जो है वो सर्विस रोड पर चलती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी लाइन में सभी लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ से शुरुआत होती है और वहाँ आगे तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही खड़ी है, तमाम सारे लोग हैं जो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। अब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो निकल रहे हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा की गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं और उसके ठीक पीछे यहाँ पर जो राहुल गांधी की यात्रा के आगे बैंड वाले चलते हैं वो सभी चल रहे हैं। बैंड वाले चलते हैं, DJ वाले चलते हैं, ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ यात्रा अब निकल रही है। जो लोग अपनी दुकानों में, अपने घरों में, आसपास के लोग जो बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ राहुल गांधी आएंगे तब हम बाहर निकल कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ठंड में कितनी देर तक हम खड़े रहेंगे। तो उन सबको पता चल जाता है इन बैंड वालों के जरिए कि हाँ यात्रा अब आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। इसके साथ ही साथ तमाम सारे लोग एक साथ
राहुल गांधी के और भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि हाँ यात्रा अब आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों मीडिया वैन आ रही है जो राहुल गांधी की यात्रा के ठीक आगे चलती है, और इसके ठीक पीछे से सभी यात्री और जो तमाम सारे स्थानीय लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होते हैं, जो स्टेट यात्री हैं, वो भी इन सब में शामिल होते हैं यात्रा में, और वो आगे आगे चलते रहते हैं। इसके बाद में इन यात्रियों के ठीक पीछे पुलिस का घेरा रहता है। और बता दें दोस्तों कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे वो कैंपों की बात करें या फिर बात करें यात्रा के दौरान की। कैंप में भी पहले क्या होता था कि हाँ कई सारे मीडिया कर्मी और तमाम सारे जो स्टेट यात्री थे वो सब भी आसानी से जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब बीच में भी अगर राहुल गांधी किसी को इशारा करते हैं मिलने के लिए तभी वो आ सकता है, वरना वो नहीं जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों आप देखिए यहाँ पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं खन्ना में, जो कि लुधियाना जिले में पड़ता है। यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू है और यात्रा तब भी चालू है। भैया ये बताइए कि बूंदाबांदी के बीच में भी राहुल गांधी की यात्रा जो है वो रुक नहीं रही है, चल रही है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत को जज्बा देश के लिए जज्बा जज्बे के रूप में से देखते हैं। बिल्कुल देशभक्ति है भाई, भारत जोड़ो जुड़ना चाहिए। और तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि यात्रा रुक गई है। ऐसे बीच में यात्रा रुकने का मतलब दोस्तों यही होता है कि हाँ राहुल गांधी ने किसी को मिलने के लिए बुला लिया है। और हम आगे अगर चले आपको दिखाएं तो वहाँ तस्वीरें आप देख पाएंगे, साथ जूम करके थोड़ा सा दिखाइए कि यात्रा जो है अभी रुकी हुई है। तमाम सारे जो लोग हैं देखिए यात्रा चल गई है, अब चल पड़ी है यात्रा। तो अभी इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जिस किसी को इशारा किया होगा मिलने के लिए, जिनसे भी वो मिले होंगे, उनसे मुलाकात खत्म करने के बाद में 2-4 मिनट की मुलाकात होती है, उसके बाद में फिर से यात्रा आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर देखें कि बूंदाबांदी हो रही, शायद बूंदाबांदी आपको ना दिख रही हो सड़कों पर, लेकिन बूंदाबांदी के बीच भी राहुल गांधी लगातार चलते जा रहे हैं। इससे पहले भी जब बारिश हुई, चाहे कड़ी धूप रही हो, सब में राहुल गांधी चलते हुए नजर आए। देखिए अभी तस्वीरों में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं लगातार बूंदाबांदी के बीच में भी। अभी भी उन्होंने टी शर्ट ही पहन रखा है, सुबह इन्होंने पगड़ी पहनकर यात्रा की थी, लेकिन इस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा है। अभी देखे सब यात्री इनके पीछे पीछे निकल रहे हैं, राहुल गांधी आगे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए हैं, पीछे तमाम यात्री हैं। और उसके बाद में फिर देखिए कि सुरक्षा कर्मियों का भी घेरा यहां से खत्म हो जाता है, यहां तक सुरक्षा कर्मी है। इसके बाद में फिर सुरक्षा की ओर जो तमाम सारी गाड़ियां हैं वो इसके पीछे चल रही, इसके साथ ही साथ जो तमाम यात्री हैं वो चल रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाया गया है क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है, खतरा माना जा रहा है। बता दें लुधियाना जिले में हम खड़े हैं और इसी लुधियाना जिले में कांग्रेस भवन के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी का विरोध किया गया है 1984 के सिख दंगों को लेकर, 1947 को लेकर के देश का बंटवारा किया। तमाम तरह तरह के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं और उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो जहां कुछ लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरा काफिला जो राहुल गांधी का है वो निकल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो वाहन बचे हैं सुरक्षा के, इसके साथ ही साथ जो नेता है, आला कमान है जो कांग्रेस के, उनके जो वाहन चलते हैं पीछे पीछे, वो सारे वाहन यहाँ पर बचे हैं। जो VIP गाड़ियां हैं वो सब यहाँ पर निकल रही हैं। आगे हम चलते हैं, आपको और तस्वीरें दिखाते हैं, इसके साथ ही कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे हम। यहाँ पे बता दें दोस्तों कि बूंदाबांदी के बीच में अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है कि राहुल गांधी का ना रुकना। तेज हवाएं चली, उसके बाद में कड़ी धूप भी हुई हर जगह, लेकिन सब कुछ सारी चुनौतियों को पार करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अभी यात्रा लगभग 20 दिन और चलेगी, उसके बाद में 30 तारीख तक यात्रा चलनी है, उसके बाद में लाल चौक पर झंडा फहरा करके यात्रा को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी के बीच में भी यात्रा चल रही, कैसे देखते हैं इसे? ठीक बा, बढ़िया 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 लगता है। समर्थन करते हैं यात्रा का? हाँ, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, लुधियाना में कुछ लोगों ने विरोध भी किया है यात्रा का? वो तो करती है, वो चलते है, सभी करते थे, दूसरा पार्टी करेगी। तो क्या लगता है सर कि हाँ विरोध करना चाहिए, क्योंकि कोई एक नेता निकल रहा है जो जन मुद्दों को लेकर के मर्जी कर्तव्य नहीं करता है, जिसका पार्टी तो करे आएगा नहीं, जो दूसरा पार्टी विरोध करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे हम चलते हैं, और आगे की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर के लिए यात्रा रुकी थी। इसके साथ ही जैसे ही राहुल गांधी निकलते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े होते हैं वो सब उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, और यात्रा के दौरान में आपको बहुत ज़्यादा भगदड़ देखने को मिलेगी। इतनी अधिक संख्या में लोग होते हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि हाँ राहुल गांधी की एक झलक ही देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो आगे आपको यात्रा के बाद में तमाम सारे जो वाहन हैं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं ये सब दिखाई देंगी, कुछ जो बसेस चलती हैं यात्रियों के लिए वो सब दिखाई देंगी। कहाँ से आए हैं भैया?
यहीं के रहने वाले हैं? खन्ने जी। अच्छा, राहुल गांधी को देखा? हाँ जी हाँ जी। कैसा लगा? बढ़िया। टी शर्ट में ही दिखे? हाँ जी हाँ जी। ठंड तो नहीं लग रही उन्हें? नहीं जी नहीं। ठंडी लेकिन तो बहुत हो रही है, अब तो बारिश भी आज हो रही है। नहीं, चलने से बाद में गर्मी आ जाती है ना शरीर में। चलने से इसी वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही है? हाँ जी हाँ जी। लेकिन उस हिसाब से तो फिर तो इतने सारे लोग चल रहे हैं, वो सब तो जैकेट में रहते हैं, मफलर में, टोपी में। पास के है ना, जो पास के हैं वो तो जैकेट में रहेंगे ना। नहीं, जो भारत यात्री हैं वो भी तो जैकेट में ही चलते हैं। हाँ जी, वो बीच में विश्राम करते होंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, हमने आपको दिखाया जो राहुल गांधी का पूरा काफिला निकलता है पंजाब में, वो किस तरीके से निकल रहा है, जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है, तमाम सारे लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि बूंदाबांदी के बीच में भी राहुल गांधी लगातार चलते हुए दिखाई दिए। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।